जी धन्यवाद। मैं केंद्र सरकार के संज्ञान में यह बात लाना चाहती हूँ कि दिल्ली में यमुना के किनारे तथा आसपास के राज्यों के कुछ किसान द्वारा फसलों के ऊपर कीटनाशक के तौर पर टीबी की बीमारी से इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। किसान स्टॉक माइसिन और टेट्रासाइक्लिन का एक साथ छिड़काव करते हैं। इसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर घातक असर पड़ता है और उनकी रोग प्रतिरोग क्षमता प्रभावित होती है। इन एंटीबायोटिक दवाइयों के इस्तेमाल से पानी और ज़मीन में होते हैं। वह इन दवाइयों के छिड़काव फल सब्जी और धान के फसलों पर करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और इस लोगों की रोग प्रतिरोग क्षमता प्रभावित होती है। अतः मेरी सरकार से मांग है कि किसानों द्वारा इन एंटीबायोटिक दवाइयों का पौधे और फल सब्जियों तथा धान की फसलों पर इस्तेमाल करने का प्रतिबंध लगाना चाहिए। धन्यवाद।